Hello everyone, my name is Pinky Kulshrestha. I am from Government RC Khaitan Polytechnic College. जो आज हम इसमें contents cover करेंगे वो है definition of temperature transducer, main features of temperature transducer, basic scheme of temperature transducer, properties of sensing element, types of temperature transducer. उन types में हम लेंगे thermistor, resistance thermometer and thermocouple. अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर हमको पता है कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है. उसी आगे हम उसी में लेते हैं टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर वो हुए जो थर्मल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे. इसका जो एग्जाम्पल है वो थर्मोकपल है. थर्मोकपल टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है. अब मेन फीचर्स ऑफ टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर इसके फीचर्स होंगे टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर के कि इसमें इनपुट जो होगा वो हमेशा थर्मल क्वांटिटी होगी. जो प्रोसेसिंग होगी वो क्या होगा थर्मल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगा और ये हमेशा टेम्परेचर मेजरमेंट या हीट फ्लो को मेजर करने के काम में आते हैं. अब इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर के दो बेसिक पार्ट्स हैं. एक तो है सेंसिंग एलिमेंट, दूसरा है ट्रांसडक्शन एलिमेंट. सेंसिंग एलिमेंट टेम्परेचर को सेंस करता है और ये उसी को उसके प्रॉपर्टीज टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज करेगा. इसका जो एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस थर्मामीटर. अब इसके जो इसका जो चेंज हुआ वो ट्रांसडक्शन एलिमेंट को दिया जाएगा. इस सेंसिंग एलिमेंट का आउटपुट ट्रांसडक्शन में जाकर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट होता है. वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम टेम्परेचर के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और डायरेक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट हम आसानी से कर पाते हैं. अब प्रॉपर्टीज ऑफ सेंसिंग एलिमेंट की हमारा जो सेंसिंग एलिमेंट है वो किस तरह का होना चाहिए. पहली बात कि उसके अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस में एक एप्रिसिएबल चेंज होना चाहिए. इसकी रेजिस्टिविटी सेंसिंग एलिमेंट की रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए जिससे कि मिनिमम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल में हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन कर सकें और मटेरियल में एक स्टेप टेम्परेचर मटेरियल और टेम्परेचर में एक स्टेबल रिलेशनशिप होनी चाहिए. अब दो तरीके के टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर होते हैं. इसमें जो थर्मल सोर्स होता है वो डायरेक्ट चार्ज के कांटेक्ट में रहता है. ये कंडक्शन से इसका टेम्परेचर मेजर ट्रांसफर हीट ट्रांसफर होता है. जबकि नॉन कांटेक्ट टेम्परेचर सेंसर टाइप में क्या होगा कि जो थर्मल सोर्स होगा वो चार्ज दोनों के बीच में एक गैप होगा, डिस्टेंस होगी और इसमें जो हीट थर्मल एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो या तो कन्वेक्शन से होगा या रेडिएशन से होगा. अब बात करते हैं हमारी पहली डिवाइस आती है थर्मिस्टर. जैसे इसके नाम से पता पड़ रहा है थर्मल और रेजिस्टर मतलब टेम्परेचर दे रहे हैं तो इसके रेजिस्टेंस में एक अप्रिशिएबल चेंज आ रहा है. ये एक हाईली सेंसिटिव टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है और ये मेटेलिक ऑक्साइड की बनी हुई होती है. अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मिस्टर है इसका नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट होता है. इसमें द थर्मिस्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन टेम्परेचर मतलब जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है डिक्रीज होता है. और ये सेकेंड ये सेमी कंडक्टर की बनी हुई होती है और जबकि आरटीडी और थर्मोकपल इसके कंपैरिजन में ये बहुत सेंसिटिव होती है और इसकी जो चेंज ऑफ रेंज है रेजिस्टेंस चेंज रेंज है वो 0.5 ओम टू 0.75 मेगा ओम है. और इसका जो टेम्परेचर रेंज है एप्लीकेशन है वो है -60 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस. अब ये जो इमेजेस दी हुई हैं ये थर्मिस्टर की इमेजेस हैं. इसमें ये दो कनेक्टिंग लीड है इनको व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ में काम में लिया जाता है. थर्मिस्टर एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ में काम में लिया जा रहा है और व्हीटस्टोन ब्रिज को एक्सटर्नल पावर सोर्स से हम ड्राइव करते हैं. अब दूसरा हमारा आता है रेजिस्टेंस थर्मामीटर जिसे आरटीडी भी कहा जाता है. रेजिस्टेंस थर्मामीटर में भी जब भी टेम्परेचर में इंक्रीज होगा इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. इसका जो टेम्परेचर कॉफिशियंट होता है वो पॉजिटिव होता है. और ये इसके आरटीडी के मेन फीचर हैं हाईली सेंसिटिव एंड वेरी चीप एज कंपेयर टू द थर्मिस्टर एंड थर्मोकपल. ये सेंसिटिव तो है ही उसके साथ में ये सस्ता भी पड़ता है थर्मिस्टर और थर्मोकपल के कंपैरिजन में. फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो -182.96 डिग्री सेल्सियस टू 630.74 डिग्री सेल्सियस.
जो इसके लिए मटेरियल काम में लिए जाते हैं आरटीडी के लिए, वो बेसिकली हमारे निकिल, कोबाल्ट और प्लेटिनम काम में लिए जाते हैं। रेजिस्टेंस थर्मामीटर का ये कंस्ट्रक्शन है, इसमें ये सेंसिंग एलिमेंट लगा हुआ है और ये दो लीड्स लगी हुई हैं। इन दोनों लीड्स को व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ में काम में लिया जाता है और ये यहाँ पर ये पैसिव ट्रांसड्यूसर होने के कारण यहाँ पावर सोर्स, एक्सटर्नल पावर सोर्स लिया जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर में चेंज आएगा इसके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा और रेजिस्टेंस में चेंज आते ही ब्रिज क्या होता है, इम्बैलेंस होता है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, वो डिफ्लेक्शन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल में होता है। अब बात करते हैं थर्मोकपल की। थर्मोकपल्स आर टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर दैट आर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू जंक्शन ऑफ डिससिमिलर मेटल्स सच एज कॉपर एंड कॉन्स्टेंटन दैट आर वेल्डेड। इसमें एक क्लोज लूप बनता है दो डिससिमिलर मेटल्स का, जो कि उसमें एक जंक्शन को तो हम बोलेंगे कोल्ड जंक्शन या रेफरेंस जंक्शन, दूसरे को हम हॉट जंक्शन या मेजरिंग जंक्शन बोलते हैं। हॉट जंक्शन पर टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है, जब इन दोनों जंक्शन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा उससे एक वोल्टेज डेवलप होता है जंक्शन के अक्रॉस में, और जो कि हमारा विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल, थर्मोकपल का प्रिंसिपल बेसिकली सी बैक इफेक्ट पर आधारित है। सी बैक इफेक्ट में क्या होता है, जब भी दो डिससिमिलर मेटल्स को जब हम टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कराते हैं तो उसके उसमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। अब मेन फीचर्स ऑफ थर्मोकपल्स, थर्मोकपल की जो रेंज है वो -200 डिग्री सेल्सियस से +2000 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो आरटीडी और थर्मिस्टर के कंपैरिजन में ज्यादा है, और इसमें ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर है क्योंकि इसमें कोई भी पावर सोर्स की आवश्यकता नहीं होती एक्सटर्नल पावर सोर्स की, और ये सस्ता पड़ता है आरटीडी और थर्मिस्टर के कंपैरिजन में, बट इसकी एक्यूरेसी होती है वो कम होती है। ये थर्मोकपल का डायग्राम है। ये थर्मोकपल दो डिसिमिलर मेटल कॉपर और कॉन्स्टेंटन का मिलकर बना हुआ है। एक इसमें ये मेजरिंग जंक्शन है जिसको कि हॉट जंक्शन कहा गया है, दूसरा हमारा ये कोल्ड जंक्शन है जो कोल्ड जिसको कि हम रेफरेंस जंक्शन कहते हैं। इन दोनों के बीच में जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो जो ये वोल्ट मीटर है वो डिफ्लेक्शन देगा, वो डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। थैंक यू।